हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के और ऑलमोस्ट जितने भी यूजी कोर्स हैं उनके थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा पूरा थर्ड सेमेस्टर का जो है कोर्स स्ट्रक्चर है कि आपको कौन से डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कौन कौन सी, आपको सारी चीज़ें पता है, डिसिप्लिन क्या है, AEC क्या है, VAC क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना उसके बारे में सिंपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर सब्जेक्ट में आपका जो पेपर रहेगा डिसिप्लिन जो 5 सब्जेक्ट जो आपका पेपर 5 रहेगा, इसमें दोस्तों आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में लिया था। जैसे दोस्तों अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन लिया था तो इसमें भी आप एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे पोल साइंस लिया था तो आप एंशेंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से ये आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा वही आपको लेना होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ किया था, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो जिसमें आप ऑप्टिमाइजेशन मेथड हो, मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ेंगे कि, या फिर अगर आपने एजुकेशन लिया है तो यहाँ पे आप इक्वालिटी परस्पेक्टिव इन एजुकेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री लिया है या पॉलिटिकल साइंस लिया है, जो भी आपने आपने सब्जेक्ट लिया था मेजर और माइनर, वो यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। तो ये आपके पेपर हो गए। इसके अलावा जो जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है दोस्तों पेपर 4, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इंग्लिश का है, संस्कृत का है, उर्दू है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और पोल साइंस है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश फ्लुएंसी 2 पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी लेंगे तो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी भी, हिंदी से ये यहाँ पे आप लेंगे। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो फंडामेंटल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट लेना चाहे वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेपर 5 आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का रहेगा, जिसमें से दोस्तों आपको केवल एबिलिटी एनहेंसमेंट में जो कि आपका इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, थ्योरी इंटू प्रैक्टिस रहेगा जो कि यूनिट 2 रहेंगे, ये यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेपर आपका 6 रहेगा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज़ एनी वन अदर दैन ऑफ सेमेस्टर 1st एंड 2nd। यहाँ पे दोस्तों आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और 2nd सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं फर्स्ट और 2nd सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसको यहाँ पे दोबारा से आपको चूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स पढ़ा था और 2nd सेमेस्टर में इंग्लिश लिया था तो 3rd सेमेस्टर में आप कॉमर्स और इंग्लिश नहीं ले सकेंगे, हिंदी इंग्लिश SEC कमेटी या कॉमर्स इनमें से कोई आप एक सब्जेक्ट ले पाएंगे। ठीक इसी तरह से वैल्यू एडिक्शन कोर्स में दोस्तों आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने 2nd और 1st सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पोलिटिकल साइंस हो, संस्कृत हो या साइकोलॉजी है। तो ये आपके टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हो गए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम का यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कि कंपलसरी, इनमें आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते कि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, आपको 3 सब्जेक्ट जो हैं यही आपको पढ़ने को दिया जाएगा या आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपको अभी बताया जनरल इलेक्टिव का, इसमें से आप हिंदी इंग्लिश या फिर आप संस्कृत उर्दू इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। सेमेस्टर 3rd में यहाँ पे आपका जो एबिलिटी एनहेंसमेंट करेगा बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट, इनका कंपलसरी रहने वाला है EVS सब्जेक्ट जिसमें आप 2nd यूनिट आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो स्किल एनहेंसमेंट का है आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने 1st और 2nd सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। ठीक आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स का भी ये रहेगा, जो आपने 1st और 2nd सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लेना होगा। ये बात होगी आपके बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हो गए, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको जनरल इलेक्टिव में से या फिर दोस्तों आपका डिसिप्लिन में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जो है चूज़ करना होगा। जनरल इलेक्टिव का यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया और डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो कि आपका DSE है ये यहाँ पर आप ले सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है EVS इसमें कंपलसरी है और स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिक्शन कोर्स के बारे में बता दिया है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने 1st और 2nd सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। इसके अलावा दोस्तों BA ऑनर्स इंग्लिश का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं, ये आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। रोमांटिक लिटरेचर है, इसके अलावा विक्टोरियन लिटरेचर है और यहाँ पर लिटरेसी क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा दोस्तों जनरल इलेक्टिव में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा, कॉमर्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर BMS ले सकते हैं। उनके सब्जेक्ट का जो नेम है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं।
हैं। इसके अलावा जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का है, इसमें आपका AVS सब्जेक्ट कंपलसरी है और स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिक्शन कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया है। ये हो गया आपका बी ऑनर्स इंग्लिश का और बी ऑनर्स पोल साइंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ये सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी हैं। पोलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स हैं, एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पोलिटिकल थॉट है, ये आपके तीन सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट या फिर आपका जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। AVS आपका मैंडेटरी है इस बार, और जो स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपने सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी ये यहाँ पे आपके तीन सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसमें आप बिहेवियरल फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ मार्केट इंट्रैक्शन के बारे में, और इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसमें आप एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जनरल इलेक्टिव में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। BBA है, BMS है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, AVS आपका कंपलसरी है, पेपर आपका थर्ड। और जो आपका यहाँ पे पेपर स्किल एनहेंसमेंट का रहेगा, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और वैल्यू एडिक्शन में से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ये आपके सभी UG कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं, ये आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इंस्टा पे फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना ही।